बागेश्वर बिलोने में रोडवेज डिपो के नाम से बिल्डिंग बनी और कांग्रेस कार्यकाल में उसमें बजट आवंटन हुआ और उसका भवन निर्माण भी हुआ। उसके बाद तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा 19 जनवरी 2020 को उसका उद्घाटन हुआ और शुरुआती दौर में उसमें एक सिंबॉलिक तरीके से 2-3 बसें चली। उसके बाद शायद वो 2-3 बसें भी अब पर्याप्त रूप से चल नहीं पा रही हैं क्योंकि बागेश्वर के लोगों को एक उम्मीद थी कि यहाँ रोडवेज डिपो बनेगा तो अधिक संख्या में बसें चलेंगी जिससे लोगों को चाहे रोजगार कहें या सरल और सस्ता आवागमन की सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज तक वो जो रोडवेज डिपो था वो बस स्टेशन बन के रह गया है और मात्र उसमें 2 या 3 गाड़ियाँ चलती हैं और लोगों को कोई उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, सुविधा नहीं मिल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जुमलेबाज है, उन अपनी बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, ये साफ जाहिर है। और हम यही कहना चाहते हैं कि अगर बस डिपो के लिए इसका उद्घाटन हुआ है तो इसमें रोडवेज डिपो बनना चाहिए, हमारी मांग है ये। देखिए, जो तारीख आपको याद है, मुझे लगता है कि सरकार को वो तारीख याद नहीं होगी, भूल गई होगी। हमारी सरकारों में फितरत यही है कि वो भूल जाती है। जहाँ तक उस बिल्डिंग का सवाल है तो मैंने तो उस बिल्डिंग में कभी रोडवेज नहीं देखा। हाँ, कोविड सेंटर देखा, जो बाहर से आते हैं लोग उनको टेस्ट करने का सेंटर देखा कि ये कोविड का मरीज है या नहीं है। आपने सवाल उठाया, हम एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कि आपने रोडवेज का स्टेशन दिया है या डिपो दिया है। बागेश्वर की जनता की मांग रोडवेज स्टेशन से पहले रोडवेज डिपो की थी। जब डिपो आपके पास होगा तभी तो आपको बसें मिलेंगी। और यही सवाल हम पहले दिन से पूछ रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने माननीय आर्या जी, यशपाल आर्या जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, श्रद्धेय हैं, माननीय यशपाल आर्या जी, ये बताइए कि आपने डिपो का उद्घाटन किया था, स्टेशन का उद्घाटन किया था या कोविड सेंटर के लिए एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। इन सवालों के उत्तर आप माननीय यशपाल आर्या जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे पूछिए।